हे गाइस, आप डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस अक्सर बोलते होंगे। यहाँ रुकना हमारी मजबूरी है, यह काम करना मेरी मजबूरी है, मास्क पहनना हमारी मजबूरी है। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंस ट्रांसलेट करने के लिए इट्स माई कंपल्सन का प्रयोग करते हैं, जिसका मतलब होता है मेरी मजबूरी है। गाइस, इसका रूल होता है, सबसे पहले हमें लिखना होता है इट्स माई कंपल्सन, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। और अच्छे समझने के लिए एग्जाम्पल देखिए। यहाँ रुकना हमारी मजबूरी है, इट्स माई कंपल्सन टू स्टे हियर, इट्स माई कंपल्सन टू स्टे हियर, उससे झूठ बोलना मेरी मजबूरी थी, इट वॉज माई कंपल्सन टू टेल अ लाई टू हिम, इट वॉज माई कंपल्सन टू टेल अ लाई टू हिम। अंग्रेजी सीखना हमारी मजबूरी है, इट्स आवर कंपल्सन टू लर्न इंग्लिश, इट्स आवर कंपल्सन टू लर्न इंग्लिश। मास्क पहनना हमारी मजबूरी है, इट्स आवर कंपल्सन टू वियर मास्क, इट्स आवर कंपल्सन टू वियर मास्क। यह काम करना मेरी मजबूरी है, इट्स माई कंपल्सन टू डू दिस वर्क, इट्स माई कंपल्सन टू डू दिस वर्क। उससे शादी करना मेरी मजबूरी थी, इट्स वाज कंपल्सन टू मैरी हर, इट्स वाज कंपल्सन टू मैरी हर। वहाँ जाना मेरी मजबूरी है। गाइस, ये सेंटेंस है आपके लिए, जिसकी ट्रांसलेट करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। आई होप आप इस तरह के सेंटेंस अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिए। और ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।